ये टेबल देखो बच्चों, बनाओ ये टेबल मेरे साथ साथ। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। एंड इधर लिखो साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखो बच्चों, साइन जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन जीरो डिग्री, साइन का अगर एंगल जीरो है तो साइन की वैल्यू होती है जीरो। साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है वन बाय टू, हाफ। साइन फोर्टी फाइव डिग्री क्या होता है? वन बाय रूट टू। साइन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू। साइन नाइन्टी क्या होता है? वन। इसी तरह से कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन, कॉस थर्टी रूट थ्री बाय टू, कॉस फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू, कॉस सिक्सटी वन बाय टू, कॉस नाइन्टी जीरो, ठीक है। साइन जीरो सॉरी टेंजेंट जीरो जीरो, टेंजेंट थर्टी वन बाय रूट थ्री, टेंजेंट फोर्टी फाइव वन, टेंजेंट फोर्टी फाइव वन, टेंजेंट सिक्सटी रूट थ्री, टेंजेंट नाइन्टी नॉट डिफाइंड। टेंजेंट नाइन्टी क्या होगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। साइन जीरो बच्चों जीरो होता है, साइन थर्टी डिग्री वन बाय टू होता है, साइन फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू, साइन थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, साइन नाइन्टी वन है। ये टेबल बच्चों आपको याद करनी है, ठीक है। आपको किसी ने हो सकता है ये बनाने भी सिखाई हो, ठीक है, नहीं बनानी सिखाई तो हाँ वो ठीक है, अगर बनानी सिखाई है तो, बट आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपसे साइन सिक्सटी पूछे तो आपका फटाक से आंसर होना चाहिए रूट थ्री। वो बनाते कैसे हैं वो भी मैं सिखा देता हूं आपको, बट बस वो ज्यादा यूज की नहीं है, मतलब वैसे आपको याद ही होना चाहिए डायरेक्ट। जैसे देखो साइन थीटा है, ये क्या है? जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, ठीक है। ये थर्टी डिग्री, ये फोर्टी फाइव डिग्री, ये सिक्सटी डिग्री, नाइन्टी डिग्री, ये है। अब देखो जरा साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये तो बेटे बच्चों वो केस है तो बिल्कुल ही भूल जाए, कोई वैल्यू याद ही नहीं आ रही, बट वैल्यू आपको सारी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। टेबल के भरोसे नहीं रहोगे। तो कैसे बनाते हैं इसको? देखो जरा, तो जीरो जीरो पे आप इसको आप ऐसे लिखो, जीरो वन टू थ्री फोर, ऐसे लिखोगे, फिर इन सबको फोर से डिवाइड कर दो, फोर से डिवाइड कर दो, ठीक है। और सबका क्या ले लो? अंडर रूट, सबका अंडर रूट लगा दो, सबका क्या ले लेंगे? अंडर रूट। अब एक बात बताओ बच्चों, जीरो अपॉन समथिंग तो जीरो ही होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? जीरो, ठीक है। अच्छा वन अपॉन फोर, इसका रूट क्या आ जाएगा? वन का तो वन ही होता है, और फोर का रूट क्या होता है? टू, तो ये हो जाएगा वन बाय टू, दिस इज वन बाय टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन बाय टू। फिर ये टू अपॉन फोर, टू अपॉन फोर को बच्चों इससे कट कर दोगे तो ये हो जाएगा वन बाय टू रूट के अंदर, तो वन का रूट तो वन ही होता है, तो वन को तो रूट से बाहर भी लिख सकते हो, वन अपॉन रूट टू, ये क्या बन जाएगा? वन अपॉन रूट टू। फिर ये थ्री का रूट तो ऐसे ही रहेगा, और फोर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा? टू, पता है ना सबको। और ये फोर से फोर कट हो जाएगा, वन आ जाएगा, इसका आंसर वन हो गया, ठीक है। ऐसे करना है,
अब एक बात सुनो, ये इनकी वैल्यू क्या आ गई, साइन की वैल्यू है साइन जीरो जीरो हो गया, थर्टी कितना हो गया हाफ, फोर्टी फाइव पे वैल्यू क्या होगी वन बाय रूट टू, सिक्सटी पे क्या हो गया रूट थ्री बाय टू, और नाइनटी पे क्या हो गया वन। किस किस को समझ नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। उसके बाद कोस के लिए क्या करना है, इनको उल्टा लिख देना है, उधर से स्टार्ट करो वन, फिर ये वाली वैल्यू थर्टी पे रूट थ्री बाई टू, फिर फोर्टी फाइव पे तो ये वापिस यही लिखना है, साइन सिक्सटी पे ये वाली वैल्यू लिखनी है, सॉरी कॉस सिक्सटी पे ये वाली वैल्यू लिखनी है वन बाई टू, फिर उससे आगे ले क्या लिखना है जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस जीरो पे जीरो है, सॉरी कॉस जीरो पे वन है, थर्टी डिग्री पे रूट थ्री बाई टू है, फोर्टी फाइव पे वन बाई टू है, सिक्सटी पे वन बाई टू है, नाइनटी पे जीरो है। उसके बाद टेंजेंट की वैल्यू निकालने के लिए तो क्या करोगे, साइन टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस, टेंजेंट क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो टेंजेंट थीटा निकालने के लिए, टेंजेंट थीटा निकालने के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना पड़ेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है जीरो, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है वन, आंसर क्या आ गया जीरो। फिर आगे देखो थर्टी डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है वन बाई टू, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है रूट थ्री बाई टू, तो कैसे लिखेंगे इसको वन बाई टू इंटू टू बाय रूट थ्री, ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है पता है ना, ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा, तो टू से टू को कट कर देंगे, बचेगा क्या वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, समझ आया ये। उसके बाद आगे चलो, इसको इससे डिवाइड करेंगे, वन बाय रूट टू को वन बाय रूट टू से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा वन ही आ जाएगा। उसके बाद रूट थ्री, रूट थ्री बाई टू, और इसको डिवाइड करना है वन बाई टू, तो ये तो कट हो जाएगा, ठीक है रूट थ्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट थ्री। अच्छा पहले खाओगे लो, ले भी एक केला बचा हुआ कौन खाएगा, छोटा केला किसको मिला था नहीं इसका तो बहुत अच्छा है। चलो ये जो क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसको देंगे, खा के वहां कोने में ना डस्टबिन होगा, खा लो खा लो अभी खा लो, भूख लगी होगी बेटे, एक मिनट आया। ले लो टाइम से खा लो बच्चों, खा लो अभी खा लो, घर के लिए नहीं है इसीलिए है कि अभी तुम्हें भूख लगाई होगी है ना स्कूल से आते हुए। अब देखो बच्चों, देखो बच्चों जरा, ये रूट थ्री आ गया, अच्छा आगे करेंगे वन को जीरो से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिवाइड कभी जीरो से डिवाइड नहीं होता, तो यहां लिखोगे नॉट डिफाइंड। सो ये वैल्यू तो बच्चों आपने निकाल ली, और ये टेबल मैं तो मतलब ये तो ठीक है मैंने आपको बता दी, ये तो तब है कि अगर आप भूल जाओ, इसको भी एक दो बार लिख के देख लेना कैसे निकालते हैं, कि बाई चांस आप भूल ही गए कोई वैल्यू याद ही नहीं आ रही एग्जाम टाइम में आपको, तो इससे निकाल सकते हो, नहीं तो आपको सारी वैल्यू बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और याद ही करनी है आपको, ठीक है जो पिछली वाली टेबल मैंने लिखी थी वही करना है आपको, आपको याद ही करना है, ठीक है यही टेबल आपको याद करनी है, और ये कल सबको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, सब इसको तीन बार कम से कम लिख के देखेंगे, ठीक है।
ठीक है, थ्री टाइम्स, याद है तो भी लिखना और नहीं याद है तो भी लिखना, ठीक है। चले आगे, उसके बाद बच्चों मान लो, बड़ी बातें मत करो, उसके बाद मान लो आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? आपको कोसिकेंट 30 फाइंड करना है। तो कोसिकेंट क्या होता है बच्चों? साइन 30 का उल्टा। तो साइन 30 को रेसिप्रोकल कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। समझ गए? अच्छा, मान लो आपको टेंजेंट 60 डिग्री फाइंड करना है, सॉरी टेंजेंट नहीं, कॉट 60 फाइंड करना है। तो कॉट 60, कॉट किसका उल्टा होता है? किसका रेसिप्रोकल होता है? टेंजेंट का। तो आप टेंजेंट 60 को रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा? 1/√3। समझ गए सभी? जैसे आपको मान लो आपको cos 60 फाइंड करना है, नहीं सॉरी sec 60 फाइंड करना है, तो sec 60 क्या होगा? देखो sec 60 क्या होगा? cos 60 का रेसिप्रोकल। cos 60 कितना है? हाफ है, इसका रेसिप्रोकल। ऐसे आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नहीं, आपको सिर्फ यही वैल्यूज मिलेंगी, आपको फाइंड करना इन्हीं वैल्यूज के लिए फाइंड करना आएगा, ठीक है। चले आगे, देखो जरा एक्सरसाइज पे आ जाओ बच्चों। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज कौन सी है? 8.2, सॉरी 8.2। सो 8.2 में क्या है, करो जल्दी जल्दी फाइंड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? साइन 60 डिग्री, साइन 60, ये फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री, कॉस इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बताओ जरा कौन कौन फाइंड कर सकता है? सभी कर लेंगे। देखो जरा साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इनटू में कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू बताओ, कॉस 30 भी कितना होता है? √3/2। अभी आपको टेबल याद नहीं हुई होगी तो टेबल अपनी खोल के बुक से साइड में रख सकते हो। कॉस 30 √3/2 होता है। साइन 30 बताओ, साइन 30 कितना होगा? साइन 30 हाफ होता है, कॉस 60 भी हाफ होता है, ठीक है बच्चों। ये आ गया, अब देखो जरा, दिस इज इक्वल टू √3 × √3 कितना बन गया? 3, और नीचे 4, प्लस में 1 और 1 क्या हो गया? 1, और नीचे क्या हो गया? 2 और 2 4, सो एलसीएम 4 आ जाएगा, और ये क्या हो गया? 3 + 1, दैट इज 4/4, 1 आ गया, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, सेकेंड हो गया ना सबका ये फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड, 2 tan² 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री -10 sin² - sin² 60 डिग्री। 2 tan² 45 डिग्री माइनस प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो जरा ये क्वेश्चन है, टू बच्चे इसको लिखोगे टेंजेंट 45 डिग्री का होल स्क्वायर, कॉस 30, कॉस 30 होल स्क्वायर माइनस साइन 60 होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान दो सभी, जैसे ऐसे लिखा है ना कि साइन स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर अगर बीच में लिखा है, यहां पर साइन और एक्स के बीच में लिखा है, ऐसे लिखा है ना, साइन फिर स्क्वायर और फिर आगे एक्स, ये एक्स, ये स्क्वायर साइन के खत्म होने के बाद लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे साइन एक्स का होल का स्क्वायर है, ऐसे, ठीक है, सबको समझ आया होगा? एक्स का भी पूरे साइन एक्स, साइन एक्स अकेला है, एक्स एक्स और साइन अलग अलग नहीं है, साइन एक्स पूरा इकट्ठा एक है और उस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। यहां पर साइन एक्स पूरा इकट्ठा एक है और ये उस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह से जैसे, तो मैंने देखो इसको क्या लिख दिया, टेंजेंट 45 पूरे का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर,
कॉस 30 कंप्लीट का स्क्वायर, साइन 60 कंप्लीट का स्क्वायर, समझ आया आपको? अच्छा 2 इंटू बताओ टेंजेंट 45 क्या होता है, 1, और बार क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। कॉस 30, कॉस 30 बताओ रूट 3 का होल स्क्वायर बाई 2, कॉस 30 कितना होता है भाई, रूट 3 बाई 2, और इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 रूट 3 बाई 2, और इसका लिखो जल्दी जल्दी। चलो बच्चों अब आगे देखो, बताओ 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, रूट 3 बाई 2, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, माइनस ये बताओ रूट 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे, आंसर आपका कितना आ गया, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 आंसर आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे, किसी बच्चे का छूट तो नहीं गया ना, सबने लिख लिया है ना। अगला क्वेश्चन थर्ड पार्ट, जिनको आता है वो अपना खुद से कर सकते हो, नहीं तो फिर बाद में मुझे बता सकते हो कि यहां तो नहीं आया। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री, बताओ बच्चों कैसे करोगे, देखो जरा कॉस 45, बताओ कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, सेक 30, सेक 30 की वैल्यू 2 बाई रूट 3, बहुत अच्छा शाबाश, प्लस कॉसेक 30, कॉसेक 30 2, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हाफ, तो कॉसेक 30 कितना होगा, कॉसेक 30 कितना होगा, समझ गए ना सभी ऐसे। चलो आगे, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कौन कर सकता है, देखो बच्चों कौन कर सकता है इसको सिंप्लीफाई, 1 बाय रूट 2, इसको अभी ऐसे ही रखो, नीचे एलसीएम ले लो, नीचे डिनोमिनेटर का क्या ले लो, एलसीएम, डाउट है कुछ, ओके तो ले लो एलसीएम कितना आएगा, रूट 3, ठीक है, यहां क्या लिखेंगे 2, क्यों, क्योंकि रूट 3 से डिवाइड करोगे तो, और यहां पर प्लस में, प्लस में कितना आएगा, 1 से रूट 3 को डिवाइड करेंगे, रूट 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो रूट 3 आएगा, है ना, और फिर इस रूट 3 को कहां पर मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा, ये क्या बन गया ये बताओ, दिस इज, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 बाय रूट 2 इन 2, रूट 3 ऊपर चला जाएगा और ये वाली जो टर्म है ये नीचे रहेगी, 2 प्लस 2 रूट 3, क्या ये समझ आया सभी को, ऐसा होता है ना, सभी को पता होगा आई थिंक, ये ए अपॉन बी और अपॉन में सी अपॉन डी हो तो ये क्या हो जाता है, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो डी बाई सी, ठीक है ना, सबको पता है, ऑल राइट चलते हैं आगे। अच्छा बच्चों एक काम करो, रूट 3 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ऊपर, 1 इंटू रूट 3, रूट 3 बन गया, इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं क्या, इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है क्या, तो 2 बाहर आएगा वो 2, ये रूट 2 ऐसे ही रहेगा, और अच्छा एक बात बताओ इसमें से अगर 2 कॉमन निकल गया तो यहां क्या बचा, 1, यहां पर क्या बचा, यहां बाकी बचेगा रूट 3, ये आ गया। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, कक्षा 9th में आपने सीखा होगा, क्लास 9th में, कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो क्या आएगा रैशनलाइज होके, ये दिस इज इक्वल टू, देखो जरा ये रूट 3 ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे 2 भी ऐसे ही रहेगा, और रूट 2 इंटू, वैसे तो पूरा ही एडिटिव रहेगा रूट 3 प्लस 1, ये जो नीचे 1 प्लस रूट 3 इसको मैंने क्या लिख दिया, रूट 3 प्लस 1, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा अब इसको रैशनलाइज करो,
रैशनलाइज करोगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? देखो बच्चों, ऐसा है, एक तो इस रूट टू को रैशनलाइज करना है। मान लो तुम्हारे पास ऐसी टर्म आ जाए, एक अकेला नंबर हो, तो इसको ऐसे रैशनलाइज किया जाता है, रूट टू इंटू रूट टू। तो ये बन जाएगा रूट टू अपॉन रूट टू इंटू रूट टू, क्या होता है टू, ये ऐसे बन जाएगा। तो एक तो आपको इस रूट टू को रैशनलाइज करना है, ठीक है, तो इस रूट टू को रैशनलाइज करना है तो आपको इंटू में रूट टू करना पड़ेगा और नीचे भी इंटू में रूट टू करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, देखो नीचे यहां रूट टू था ना, ऊपर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और दूसरी टर्म थी हमारी रूट थ्री प्लस वन, इसका क्या करेंगे मानसु? हाँ, रूट थ्री प्लस वन इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो बीच का साइन बदल देंगे। जब बीच में साइन होता है तो साइन बदल देते हैं, नीचे क्या आएगा? रूट थ्री माइनस वन। ऊपर और नीचे दोनों जगह रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है। चले आगे, बाद में लिखना, पहले देखो इसको अच्छे से, बाद में मैं रोक दूंगा तब लिखना। अब बच्चों रूट टू और रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर रूट सिक्स हो जाएगा, इसका आपको कुछ नहीं करना है और कुछ कर भी नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन, ये रूट टू और रूट टू क्या बन जाएगा? ये रूट टू और रूट टू टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा? टू, ठीक है। रूट टू इंटू रूट टू मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? टू, और एक टू पहले भी तो है हमारे पास, तो टू इंटू टू बन जाएगा, ये फोर बन जाएगा। अच्छा बच्चों, इन दोनों पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन गया ये? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए का मतलब रूट थ्री का स्क्वेयर और बी का मतलब वन का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू। अच्छा ये बताओ, रूट सिक्स ऐसे ही रखना है, रूट थ्री माइनस वन भी ऐसे ही रखना है, नीचे ये हो गया फोर, ब्रैकेट में रूट थ्री का स्क्वेयर बताओ, थ्री माइनस वन, क्या आ गया? रूट सिक्स इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन, ये कितना बना? टू, फोर इंटू टू एट हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। करो एक बार इसको पूरा करो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट है। देखो जरा क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, डिग्री लगाया करो बच्चों ऊपर, प्लस में टेंजेंट 45 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, साइन नहीं है भाई, क्या है? सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, ये है बच्चों। कैसे करोगे बताओ जरा, बताओ साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2, टेंजेंट 45 बताओ 1, कॉसेक 60, साइन 60 का रेसिप्रोकल करो बच्चों, साइन 60 होता है रूट थ्री बाई टू, साइन 60 क्या होता है? रूट थ्री बाई टू, करो इसका रेसिप्रोकल, टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री अपॉन सेक 60 बताओ, सेक 30, कॉस 30 कितना होता है बच्चों? रूट थ्री बाई टू, ये कॉस 30 होता है, तो करो कॉस 30 का रेसिप्रोकल, टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री प्लस कॉस 60 बताओ हाफ, कॉट 45 बताओ वन, वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू। देखो जरा, न्यूमरेटर में इस वन के नीचे वन लिख लो और डिनोमिनेटर में भी इस वन के नीचे वन लिख लो। अब न्यूमरेटर का एलसीएम लो, अकेले न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, बताओ एलसीएम कितना आएगा? टू रूट थ्री, एलसीएम कितना आएगा? टू का और रूट थ्री का एलसीएम कितना आएगा? टू रूट थ्री, ठीक है, टू रूट थ्री। अब क्या लिखेंगे यहां पर बताओ जरा, इस वन के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? टू रूट थ्री को, जिन बच्चों को नहीं आता वो देख लो, एलसीएम को
इस इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, कर दिया डिवाइड तो टू कट गया, रूट थ्री बचा, रूट थ्री को बचो, जो भी यहां से बचे उसको इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वन इंटू रूट थ्री करना है, क्या आ जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा प्लस में। चल बेटे आप बताओ हिमांशु, यहां पर वन के साथ क्या आएगा, वन के साथ टू रूट थ्री आएगा, सभी को पता है ना, टू रूट थ्री माइनस। चल भाई ईशान बता टू के साथ क्या आएगा, टू के जगह पे क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, क्यों, देखो एलसीएम कितना है सिमरन, एलसीएम कितना है, एलसीएम तो टू रूट थ्री आया है ना, एलसीएम को इस नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, रूट थ्री से डिवाइड करोगे तो ये कट हो जाएगा, बचेगा जो भी बचेगा उसको यहां पर मल्टीप्लाई करनी है इसके न्यूमरेटर के साथ, तो यहां से टू बचा है, टू को टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे फोर आ जाएगा, अपॉन में देखो बच्चों क्या करना है, यहां पर बताओ जरा डिनोमिनेटर कैल्सियम क्या होगा, यहां पर भी रूट थ्री और टू और वन है, ठीक है टू रूट थ्री ही होगा इन कैल्सियम, ऊपर क्या आएगा बताओ जरा, क्या आएगा ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया, देखो जरा अब क्या करेंगे, टू रूट थ्री, तो रूट थ्री से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री टू बचेगा, टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा यहां पर फोर प्लस में, यहां क्या आएगा टू से डिवाइड करोगे टू कैंसिल हो जाएगा रूट थ्री बचेगा, रूट थ्री का वन से मल्टीप्लाई करोगे रूट थ्री आएगा, ठीक है आगे क्या है बच्चों, आगे है दिस, तो यहां पर क्या आएगा टू रूट थ्री आएगा, ठीक है चलो आगे, दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये ऊपर देखो बच्चों, अच्छा बच्चों दोनों के एलसीएम सेम हो, ऐसा हो एक्स अपॉन जैसे एक्स अपॉन ए और नीचे हो वाई अपॉन ए, तो एलसीएम को सीधा ही काट दो, क्यों काट दो देखो एक्स अपॉन ए फिर इसको मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ए अपॉन वाई बनेगा, अब ये ए से कट जाएगा, तो जब ऐसे हो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए तो एलसीएम को सीधा ही काट दिया करो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली कट हो जाएंगे, ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों देखो, टू रूट थ्री से टू रूट थ्री को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, अब बचा हमारे पास रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री, अच्छा ये बताओ ये रूट थ्री और टू रूट थ्री मिलके क्या बनेगा, एड होके क्या हो जाएगा थ्री रूट थ्री, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, रूट थ्री और टू रूट थ्री एड होके क्या हो जाएगा थ्री रूट थ्री, और ये माइनस फोर बच्चों ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना, चलो आगे बताओ ये क्या हो जाएगा, हाँ ये फोर ऐसे ही रहेगा और ये रूट थ्री और टू रूट थ्री एड होके क्या हो जाएगा थ्री रूट थ्री, ठीक है बच्चों अब क्या करें रैशनलाइज, रैशनलाइज ठीक है, तो थ्री रूट थ्री माइनस में फोर, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं थ्री रूट थ्री प्लस फोर लिख दो तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं, नीचे क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एडिशन क्या होता है बच्चों कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी को आप बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी को आप बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, करेक्ट, अब रैशनलाइज करो इसको, रैशनलाइज किससे करेंगे डिनोमिनेटर का बीच में जो साइन है वो चेंज कर देंगे, थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन थ्री रूट थ्री माइनस फोर, बताओ किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो, आ गया हाँ बेटा आपको आया, देख दिया, अब न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा थ्री रूट थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर, थ्री रूट थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ कितना हो गया थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, दिस इज, अच्छा चल बेटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बता, ए बच्ची
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी तो बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो बता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जिन बच्चों को याद नहीं है वो लिख लो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यह होता है। सो देखो ए का स्क्वायर करोगे, किसका स्क्वायर करोगे, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर करोगे, करोगे ना, अच्छा प्लस में बी का स्क्वायर करोगे, बी कितना है भाई फोर, तो फोर का स्क्वायर करोगे, ठीक है, माइनस टू ए बी, टू ए कितना बताओ, थ्री रूट थ्री, बी कितना है फोर, और नीचे क्या आएगा, इस ये इसकी वैल्यू क्या बनेगी भाई, सिमरन बता, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर क्या बनेगा बताओ, कैसे आया, थ्री का स्क्वायर करेंगे और रूट थ्री का भी स्क्वायर करेंगे तो इसका तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, ये थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन और ये आया थ्री तो ट्वेंटी सेवन हो गया, नीचे ये आया ट्वेंटी सेवन माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो गया भाई सिक्सटीन, ठीक है। देखो जरा अब आगे, अब ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू ऊपर, ये कितना होगा भाई थ्री रूट थ्री का स्क्वायर बताओ, अब ये अभी निकाला था हमने, नीचे निकाला था ना ट्वेंटी सेवन फोर का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन, और ये क्या बन गया, फोर थ्री से मल्टीप्लाई होगा फिर ये टू से मल्टीप्लाई होगा, तो टू थ्री जा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर रूट थ्री अपॉन, ये बताओ ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन इलेवन, ठीक है। अब ये बताओ ये 27 और 16 कितना हो गया, कितना 6 और 7 13, 2 और 1 3 और 1 4 ठीक है बच्चों, देखो आंसर देखो कितना है, इलेवन दोनों के नीचे अलग अलग लिखा है, इकट्ठा लिखा है, इकट्ठा ही लिखा है, ये आंसर आएगा। फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चों, फाइव इंटू कॉस स्क्वायर सिक्सटी, कॉस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री प्लस फोर सेक्स स्क्वायर थर्टी डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो बच्चों कैसे करोगे, सेम वही तरीका है करने का, बताओ जरा, फाइव कॉस सिक्सटी, ये जो कॉस सिक्सटी है ये कॉस सिक्सटी डिग्री का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे ना, तो कॉस सिक्सटी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, वन बाय टू, और स्क्वायर उसके बाहर लिखा जाएगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री है, मतलब कॉस सिक्सटी का स्क्वायर है, सो कॉस सिक्सटी की वैल्यू होगी हाफ और ये हाफ का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, कर रहे हो ऐसा, सबका हो गया फोर sec स्क्वायर थर्टी, बताओ sec थर्टी कितना होता है, हाँ cos सिक्सटी cos थर्टी कितना होता है, cos थर्टी रूट थ्री बाई टू होता है, cos थर्टी बेटा रूट थ्री बाई टू होता है, तो sec थर्टी क्या बनेगा, टू अपॉन रूट थ्री, और इसका करना है स्क्वायर, टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, भाई आवाज नहीं आए, माइनस टेंजेंट 45 क्या होता है बच्चों, वन, तो ये होगा वन का स्क्वायर, स्क्वायर होल होल स्क्वायर करना है वो, ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज इक्वल टू, अच्छा इसके डिनोमिनेटर में क्या है भाई, डिनोमिनेटर क्या है इसका, साइन 30, साइन 30 बताओ, साइन 30 की वैल्यू हाफ का स्क्वायर प्लस में कॉस 30 बताओ,
रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज व्हाट 5 इंटू 1 बाय टू का स्क्वायर क्या होगा 1 बाय फोर प्लस 4 इंटू बताओ 2 बाय थ्री रूट थ्री का स्क्वायर बताओ बताओ 2 बाय रूट थ्री का स्क्वायर 4 बाय थ्री माइनस 1 अपॉन बोलो 1 बाय टू का स्क्वायर 1 बाय फोर रूट थ्री बाय टू का स्क्वायर 3 बाय फोर दिस इज फर्दर इक्वल टू देखो बच्चों ये तो आ गया 5 अपॉन 4 क्या बन गया 5 अपॉन 4 ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बच्चों 16 अपॉन 3 माइनस में 1 अपॉन में क्या है बताओ अगर इनका एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 4 आ जाएगा इनका एलसीएम लेके ऐड करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 4 अपॉन 4 जो कि क्या हो जाएगा 1 न्यूमरेटर का एलसीएम लो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा बेटा न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा आप बताओ न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आएगा न्यूमरेटर का एलसीएम न्यूमरेटर का बेटा न्यूमरेटर का 12 आएगा 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12 तो यहां पर 12 लिखना है 4 से डिवाइड करो 12 को कितना आया 3 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 अब इस 3 से 12 को डिवाइड करो क्या आएगा 4 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में इस 1 के जगह पे क्या आ जाएगा 1 के जगह क्या आ जाएगा 12 आएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है एलसीएम लोगे तो यहां 12 आएगा और ये तो 1 हो गया तो इसको तो नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि समथिंग अपॉन 1 तो वही होता है ना दिस तो 1 को नीचे लिखे है ना लिखे कोई फायदा नहीं है छोड़ दो दिस इज इक्वल टू बताओ अब ये कितना हो गया 3 बचेगा 67 अपॉन 12 चेक करो आंसर कितना है यही है ठीक है सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों सबका हो गया ना यहां तक सेकंड क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस बच्चों क्या गिवन है टू टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री कौन सिंप्लीफाई कर सकता है इसका बताओ कर दिया टेंजेंट 30 की वैल्यू बताओ फिर 1 बाई अपॉन 1 प्लस ये टेन 30 का होल स्क्वायर है ना तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी और इसका करेंगे होल स्क्वायर क्या बन गया 2 बाय रूट 3 1 प्लस ये कितना होगा 1 बाय 3 समझ आया ऐसे करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 बाय रूट 3 अपॉन बताओ ये क्या बन जाएगा ऐड करके क्या बनेगा ये बोलो बच्चों एलसीएम आया 3 तो यहां 3 आ जाएगा प्लस में 1 क्या हो गया ये 2 बाय रूट 3 अपॉन में क्या हो जाएगा ये 3 और 1 4 हो गया 4 बाय 3 रेसिप्रोकल करेंगे सभी बच्चे ध्यान दें इधर नहीं आ रहा तो बाद में लिखना 2 बाय रूट 3 इंटू क्या हो जाएगा भाई 3 बाय 4 अब इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करें 2 को तो आप इससे कट कर सकते हो 2 को तो आप इससे कट कर सकते हो 2 टू जा और ये रूट 3 का क्या होगा भाई जो 2 तो कट हो गया ना ऊपर अकेला 3 बचा है
उस ऊपर के थ्री को आप रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हो, और नीचे कितना है रूट थ्री इंटू टू, एक रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आएगा रूट थ्री बाई टू। अब आंसर में रूट थ्री है या कुछ और है? अब रूट थ्री तो है ही नहीं, अब आपको देखना होगा रूट थ्री बाई टू किसकी वैल्यू होती है, या तो कॉस 30 की वैल्यू होती है ये, या साइन 60 की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन में देखो कुछ है क्या, साइन 60 है तो इसका आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि ये रूट थ्री बाई टू साइन 60 की वैल्यू होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझ आया? ऐसे करना है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ना, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो बच्चों, क्या दिया हुआ है, वन माइनस टेन स्क्वेयर 45 डिग्री अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, बताओ टेंजेंट 45 की वैल्यू बताओ, टेंजेंट 45 की वैल्यू बताओ, टेन 45 वन होता है और वन का स्क्वेयर भी वन ही आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है ये भी वन है, इसका स्क्वेयर भी वन ही आएगा, तो न्यूमिनेटर में आएगा वन माइनस वन और डिनोमिनेटर में वन प्लस, तो ये होगा जीरो अपॉन, और जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है जीरो, इसका आंसर क्या आ गया जीरो, ठीक है आगे सबका। नेक्स्ट पार्ट बताओ जरा, ये कहता है साइन टू ए, साइन सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ना ये एक्सरसाइज 8.2, साइन ऑफ साइन टू ए, साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए, टू ऑफ साइन ए, तो आपको ए की वैल्यू बतानी है, आपको क्या बताना है ए की वैल्यू बतानी है, बताओ कितनी होगी, देखो बच्चों जरा क्वेश्चन क्या दिया है, यही है ना या कुछ और है? अब इसमें आपको आंसर डाल डाल के देखना पड़ेगा, पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में क्या है भाई, पहले ऑप्शन में आपको जीरो दिया हुआ है, तो आप ए को यहां जीरो डाल के देखो, ठीक है ए को यहां जीरो डाल के देखो, ये आ जाएगा साइन टू इंटू जीरो, बातें नहीं इधर ध्यान दो, टू इंटू साइन ए के जगह जीरो, अब ये बन गया साइन जीरो इज इक्वल टू, और इधर टू इंटू साइन जीरो कितना होता है बच्चों जीरो, और ये भी साइन जीरो जीरो, दिस इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट वाली वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही है, क्या सेकंड वाली कर रही है सेटिस्फाई, बताओ जरा, जैसे सेकंड पार्ट में कितना दिया हुआ 30 दिया ना 30 डिग्री, तो आप ए को 30 डाल के देखो, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री, देख रहे हैं सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, दिस इज 2 साइन ऑफ 30, अच्छा बताओ साइन ऑफ 2 इंटू 30 क्या हो गया 60 डिग्री, 2 इंटू साइन 30 क्या होता है हाफ होता है ना हाफ, अच्छा साइन 60 क्या होता है बच्चों रूट थ्री बाई टू, और इधर कितना आया 1, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, वो समझ नहीं आया साइन 2 इंटू 30 और 2 साइन 30 में अंतर क्या है भाई, एक अंतर ये है कि एक 2 यहां लिखा हुआ है बाहर और एक 2 अंदर लिखा हुआ है, दोनों बराबर कैसे होंगे, साइन एक जगह तो लिखा है 2a, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई है a के साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई है 2 a के साथ, और दूसरी जगह क्या लिखा है 2 दूसरी जगह लिखा है साइन a, यहां पर 2 किसके साथ मल्टीप्लाई है साइन a के साथ, यहां पर एक 2 के साथ सॉरी यहां पर 2 a के साथ मल्टीप्लाई है, समझ रहे हैं, और वहां पर 2 किसके साथ मल्टीप्लाई है पूरे साइन के साथ, पूरे साइन ए के साथ, ठीक है, सो अलग अलग जगह पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो उसका अलग अलग रिजल्ट होता है भाई, एक तो जगह ऐसे लिख दे 2 इंटू 2 प्लस 3
तो इसका आंसर कितना आएगा 4 + 3 और एक जगह ऐसे लिख दे 2 + 4 × 3 तो इसका आंसर कितना आएगा, ये कितना हुआ 6, अलग आंसर आएगा। तो ये नंबर जो मल्टीप्लाई हो रखा है वो अलग अलग पोजीशंस पे मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पहले वाले में ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरे वाले में पूरे साइन ए से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ए को एंगल ए हमारा 30 डिग्री हमने लिया है, तो ए को अगर 30 लोगे तो एलएचएस कितनी आएगी आपकी, एलएचएस कितनी आएगी साइन, ये एंगल 2A है, ये 2A एंगल है और ए 30 डिग्री है, तो ये साइन 60 बनेगा, क्या बनेगा साइन 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2, यहां पर ये 2 बाहर मल्टीप्लाई है तो इसको बाहर ही रखोगे साइन 30, ठीक है, और साइन 30 कितना होता है हाफ, ऐसे लिखा जाएगा, ये कटेगा और ये बन आएगा, एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि अगर ये दोनों बराबर हो तो ए क्या होना चाहिए, ठीक है, पहले वाला ए लेते हैं तो सेटिस्फाई करता ही नहीं है, ये दोनों बराबर आते ही नहीं है, दूसरे सॉरी पहले वाले में आ रहा है दूसरे वाले में नहीं आ रहा है, आगे भी नहीं आएगा, करके देख सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया अभी, फोर्थ पार्ट देखो जरा, फोर्थ पार्ट में क्या है, 2 tangent 30 degree अपॉन कितना है 1 - tan² 30, क्या लिखेंगे 2 tangent 30 degree, 2 tangent 30 की वैल्यू बताओ 1/√3, tangent 30 की वैल्यू कितनी होती है, ढंग से लिखा कर क्या लिख रखा है, ये ऐसे लिखा कर छोटे छोटे, 1 - tan 30 की वैल्यू बताओ, ऊपर तो आ गया 2/√3, नीचे कितना आया 1/3, √3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, बताओ कितना हो गया अपॉन 1 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा 2/3, एलसीएम लेके माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 - 1/3 क्या होता है 2/3, तो कितना आ गया 2/3/2/3, रूट नहीं लगाया, ठीक है, तो ये हो गया 2/√3 इनटू, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको इससे काट दो और √3 से 3 कटेगा तो सिर्फ ऊपर के √3 को ऐसा लिख सकते हैं, एक कट जाएगा तो √3 बचेगा, है क्या 1060, टेंजेंट के टर्म में दिया है तो टेंजेंट 60 होता है, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं बच्चों, इसका लास्ट पार्ट भी है, हाँ कल कर लेंगे, ज्यादा लेट हो जाओगे।